हरिद्वार में लगा तगड़ा जाम, चार धाम यात्रियों से लेकर अन्य पर्यटक हुए परेशान। गर्मी से निकला यात्रियों का पसीना, हाईवे पर लगी गाड़ियों की लंबी कतार। इन दिनों गर्मियों की छुट्टी के दिन है, ऐसे में भारी संख्या में यात्री पर्यटक स्थल और चार धाम का रुख कर रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार शहर में भारी भीड़ लग चुकी है। पर्यटक और उनका वाहन हरिद्वार के जाम में फंसे हुए नजर आ रही हैं। वीकेंड के चलते हरिद्वार की सड़कें गाड़ियों से खचाखच भरी हुई है। ऐसे में हरिद्वार के हाईवे पर ही गाड़ियों की लंबी कतार और लंबे जाम देखने को मिल रहे हैं। अगर तस्वीरें देखेंगे तो इसमें ज्यादातर गाड़ियां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान की नजर आएंगी। आपको बता दें कि इस जाम में पर्यटक समेत उत्तराखंड पुलिस के जवान भी फंसे हुए हैं और इस जाम से उन्हें भी जूझना पड़ रहा है। ऊपर से इस प्रचंड गर्मी ने भी यात्रियों का पसीना निकाला हुआ है। तेज धूप और चलती लू से जाम में फंसे पर्यटकों की हालत खराब हो चुकी है। हाईवे पर जहां गाड़ियां 100 की रफ्तार से दौड़ती हैं, उसी हाईवे पर ये गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। यानी जहां तक पहुंचने में चंद मिनट लगते थे, अब वहां पहुंचने में घंटे भर का सफर तय करना पड़ रहा है। हाईवे पर आप देख सकते हैं कि किस तरह गाड़ियों का लंबा काफिला चला जा रहा है। ये सभी पर्यटक वीकेंड और समर वेकेशन के मौके पर उत्तराखंड आए हैं, लेकिन इस जाम और गर्मी से पर्यटकों की हालत खराब हो चुकी है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी के पर्यटक जहां हिल स्टेशन का रुख कर रहे हैं, तो वहीं देश के कोने कोने से आए लोग चार धाम यात्रा पर जा रहे हैं। इस बीच यात्रियों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, जो कि इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है। हरिद्वार में जाम की स्थिति कुछ ऐसी है कि टू व्हीलर्स चलाने वाले भी इस जाम में फंसे हुए हैं। इन यात्रियों की सुविधा के लिए अब प्रशासन क्या व्यवस्था बनाता है, ये देखना होगा। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड तक।